हम वहां जाने का भी परमिशन नहीं, पूरा ऑफिशियल हो जाता हूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक अहम और जरूरी इत्तला तमाम अहलिया ने वल्ला बारका जो हैदराबाद तलाला को दी जाती है कि आज बारकस बाजार के करीब तलहा कसेरी साहब के मकान के करीब में एक वैक्सीनेशन कैंप अरे जनाब बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर कुलीन मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन हबीब अमीरुद्दीन जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब एमएलए फ्लोर लीडर तेलंगाना असेंबली पीएससी चेयरमैन की हिदायत पर कामयाब नुमाइंदगी पर और हमारे अब्दुल अजीज कारपोरेटर अब्दुल वहाब साहब रहमान शाह साहब और बारकस कारपोरेटर की रात निगरानी में हमारे अक्रम भाई की उसमें आज हमारे डॉक्टर संध्या मैडम जो स्पेशली हमारे लिए जो है एमपी साहब यहाँ पे जो उनको अपॉइंट करे हैं शी इज वेरी गुड और इंटेलिजेंट डॉक्टर, वो अपने दरमियान में आज मौजूद है यहाँ पे कैंप पे, क्योंकि अपने हैदराबाद और तेलंगाना में ये जो कोरोना का जो है फिर जो है सिलसिला शुरू हो रहा है, बीमारी बढ़ने के जो है चांसेस आ रहे हैं, इतलात आ रहे हैं, उसके लिए आपको आपके अहलोयाल को अपनी बस्ती को अपने मोहल्ले को अपने तेलंगाना को अपने हिंदुस्तान को बचाने के लिए हुकूमत तेलंगाना हुकूमत हिंद और एमपी एमएलए साहब ने खुसूसी तौर पर आपको वैक्सीन का एक सेंटर यहाँ पे कायम किया है। आप तमाम हजरात से जो बच्चे 18 साल के हो चुके हैं वो आके डोज ले सकते हैं, अगर कोई फर्स्ट डोज ले लिया है उनको 3 महीने होगा तो वो भी सेकंड डोज आके ले सकते हैं। कोविड वैक्सीन कोविड शील्ड और आपके जो है को वैक्सीन जो आपको जो है वैक्सीन की जरूरत है वो तमाम हमारे पास जो है ना वैक्सीनेशन मौजूद है। आप नाम बोलिए इंशाल्लाह हमको देंगे आपकी सहूलत के लिए आपके मकान तक आपके घर तक आपके मोहल्ले तक आपके बाजार तक हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आपसे अदबन गुजारिश की जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है, अपील की जाती है कि आप अपने अपने अहलोयाल की हिफाजत बच्चों की हिफाजत के लिए जरूर जहां भी है आप आकर इस वक्त जल्द से जल्द जो है सुबह 10 से 4 बजे तक यहाँ बैठेंगे इंशाल्लाह और भी आगे जो है हम जो है कैंप डालते रहेंगे। जहां भी जाने के आपको इतना ग्रुप के जरिए मसाजिद के जरिए ऐलान से बताएंगे, आप जरूर इसमें शिरकत करिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।